सो हेलो गाइस, कैजुअल एसबी लोगों के लिए स्वागत है एसबी का एक और वीडियो में। आज अपन जाने वाले हैं थर्ड एल में, और आज मैं गेम को पहली बार एचडी ग्राफिक्स में खेलने वाला हूं। इससे पहले मैं कभी एचडी ग्राफिक्स में नहीं खेला, मतलब बस मैंने ट्राई करा है कि हाँ कैसे चलता है कैसे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा मैच मैंने एचडी ग्राफिक्स में निकाल दिया। ना ना ना, क्योंकि पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एचडी ग्राफिक्स, क्योंकि उसमें क्या होता है बंदे जल्दी से तुम्हें स्पॉट नहीं होंगे। स्मूथ और एक्सट्रीम में क्या होगा, बंदे जल्दी स्पॉट हो जाते हैं, बस आसपास की घास फूस इतनी क्लियर नहीं दिखती, लेकिन हाँ बंदे स्पॉट हो जाते हैं। और एचडी ग्राफिक्स में बहुत रिस्क है, मैं बता रहा पर्सनली बता रहा हूँ। एचडी ग्राफिक्स में ये भी है कि मतलब तुम्हारा डिवाइस काफी जल्दी हीट हो जाएगा, कितने बढ़िया डिवाइस हो हीट जरूर होगा, और दूसरा ये कि लैग वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। और डिवाइस से याद आया कि मेरा ROG 5 खराब हो चुका है, बिल्कुल कती खत्म हो चुका है, तो मैं उसमें गेम कतई नहीं खेल पाया। इसलिए अब तुम्हें जितने भी गेमलेस दिख रहे हैं सारे Redmi K20 Pro पे मैंने खेले हैं। अब Redmi K20 Pro भी खराब है भाई, क्योंकि तभी तो मैंने ROG 5 लिया था, इसका हेडफोन जैक बुरी तरह खराब हो चुका है। तो तुम जितने भी गेमलेस देख रहे हो सारे मैंने बिना हेडफोन लगाए, बिना कोई ईयरफोन लगाए, गेम की फोन के अंदर साउंड आती है ना उससे खेले, लिटरली तुम्हें पता चलेगा कि साउंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी गेम में। और दूसरा कि ROG 5 से K20 Pro में शिफ्ट होना भाई बहुत बहुत मुश्किल टास्क है, बिकॉज ऐसा नहीं कि स्मूथ है, ऐसा स्मूथनेस में कुछ फर्क नहीं था, जब बल्कि उसमें तो लैग और होता था, लेकिन ये है कि वो डिवाइस बहुत ज्यादा बड़ा था, मेरे को उसकी आदत लग चुकी थी, लेकिन इसमें मेरे को खेला ही नहीं जा रहा, कतई भी नहीं खेला जा रहा। ऊपर से सेंसिटिविटी और कंट्रोल्स वगैरह भी चेंज करने पड़े, ढंग से मैं चेंज भी नहीं कर पाया क्योंकि इमरजेंसी थी, मेरे को जल्द से जल्द गेम खेलना था, गेम प्ले रिकॉर्ड करना था, भाई बहुत दिक्कत हो गई थी। बस देखना, तुम देखना फिलहाल सामने की तरफ बंदे। सोलो खेला था मैं, यहाँ पे फाइट हो रही थी, मैंने सोचा थर्ड पार्टी कर दूंगा मैं। लेकिन मैं घंटा भी कुछ नहीं कर पाता यहाँ पे, और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी थोड़ी बदली बदली दिख रही होगी, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं बदली है, मेरा माइक में भी कुछ दिक्कत आ चुकी है, सारी दिक्कतें एक साथ आ रही थी, बस बढ़िया मेरे में कोई दिक्कत नहीं आई कभी, समझ जाओ बस। चल जो भी हो, इसको मारना था, एक दो गोली छाप दिया, बस एक गोली का शायद से बंदा होगा। अब देखो पता नहीं मेरा ROG 5 कब आएगा, अब तुम लोग सोच रहे हो भाई K20 Pro में भी तू 1.5-2 साल तक खेला है, तो क्या दिक्कत है, चार पाँच महीने तो हैं, तो देखो यार 4-5 महीने बहुत होते हैं। मैं बिल्कुल ROG 5 में सेट हो चुके थे, मेरा हाथ बड़ा बहुत बड़ा फोन था, स्टार्टिंग वीडियोस देखना जब मैं ROG 5 में खेला था ना, मैंने बताया था बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं, इसमें भी हो जाऊंगा मैं K20 Pro में 2 दिन में ही, बट उसके बाद फिर से ROG 5 आएगा, फिर उसके साथ एडजस्ट हो भाई, बहुत गैडी दिक्कत होने वाली है, गेम प्ले के तो लग जाएंगे कहीं। फिलहाल जो भी हो, यहाँ से मैंने थोड़े शॉटगन कैम उठा लिया, और शॉटगन मैं उठाऊंगा यार, क्योंकि मुझे आज इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, बिकॉज असॉल्ट राइफल वगैरह नहीं चलने वाली थी, क्योंकि सेंसिटिविटी वगैरह और भाई जायरो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ROG के में और इसके में भी, और सेंसी वगैरह मैंने इस टाइम पे ठीक नहीं करी थी, तो मैंने सोचा भाई शॉटगन वगैरह यूज करता हूँ, आसानी होगी मारने में। फिलहाल मैं आगे की तरफ आ चुका था, लेकिन आपको कुछ गन शॉट सुनाऊंगा। देखो उस तरफ जो गाड़ी खड़ी रहती ना, वहाँ पे एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी, और वहाँ कहीं से कोई बंदा AK भी चला रहा था, तो मैं बिल्कुल अलर्ट था कि हाँ यहाँ से जब मेरे को गाड़ी पिक करनी, तो देखना कि सामने कोई बंदा है या फिर नहीं, और वापस है। आप लोगों को शायद गनशॉट की आवाज़ आ रही होगी, बंदे साइड में मस्त लड़ रहे थे, अब उनमें से कोई एक बंदा मारा जाता है, तो मैं स्की करके जल्द से निकलता हूँ कि हाँ भाई जितना जल्दी थर्ड पार्टी करूँगा सही रहेगा, और ये देखो अभी मैं खुद मरता। फिलहाल मैं पास जाता हूँ, गाड़ी अभी भी यहीं पर खड़ी थी, तो हो सकता है बंदा अभी भी यहीं पर हो, और बिल्कुल सही। इस बंदे से कोई बताओ यार कि हेडफोन ही खराब हुए, भाई आंखें खराब नहीं हुई, टेंशन नॉट, इसके हेडशॉट पड़ जाता है यहाँ पे, और सच में मेरे को तो आज ऐसा लग रहा था कि मैं हेडशॉट भी नहीं मार पाऊंगा, पर मैंने मार दिया। फिलहाल जो भी हो, अब मैं ऊपर ही घूम रहा था, और मुझे सडनली बग्गी की आवाज़ आती है, अब शक मत करने लग जाना, फालतू में झूठ बोल रहे भाई, बग्गी की आवाज़ आ जाती भाई स्पीकर से हल्की सी, कटर सुनो। अब वो बग्गी की आवाज़ अचानक हल्की सी भी नहीं आती मेरे को, तो मैं समझ गया था पक्का वो बाना उसके पास कहीं रुक गया होगा, तो मैं अंदर की तरफ आया चेक करने के लिए, क्योंकि फुटस्टेप्स तो वहां से यहां तक आने वाले हैं नहीं, बिकॉज बताइए तुमको। आज के दिन मेरे को पूरा डिपेंड रहना मिनी मैप, और मिनी मैप में आप लोग एक फुटस्टेप देख सकते हो, टेंशन, और तुमने अगर हेडफोन लगा रखा है तो तुम्हें बिल्कुल टकाटक आवाज आएगी, मैं यूं एक समझ जाओ। एक और बंदा आता है, बहुत ही अच्छे, ये बंदा भी यहाँ पे मारा जाता है। अब तुम लोग सोच रहे हो यार तू तो कटाकट बंदे मारे जा रहे हैं, मैं तो किसी एंगल से लग नहीं रहा कुछ हुआ भी है, पता चलेगा ब्रो तुम्हें पता चलेगा, आधी से ज्यादा वीडियो बची हुई है। फिलहाल मैं गाड़ी लेकर निकल चुका था जोन की तरफ, रेड जोन था, बट मैं कुछ करके निकल जाता हूँ, बट आगे बिल्कुल भी सेफ माहौल नहीं लग रहा मुझे। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, मुझे एक बंदा दिखता है जो कि DP28 होती है इसके पास, अब DP से तुम्हें पता है कितनी सारी गोली निकलती है, लेकिन इतनी सारी सुन के देखो,
क्योंकि आसपास भी गोलियां चल रही थी, तो मैं जल्दी से कवर में आ जाता हूँ कि हाँ भैया रिलोड कर लेते हैं। मिड रेंज तो मैं बिल्कुल लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ हथियार ही नहीं है। अब रोज तो मैं ये बोल देता हूँ कि गन शॉट से आपको पता चल चुका होगा, गन शॉट से मेरे को समझ में आ गया था कि गन शॉट की आवाज कहाँ से आ रही है, पर आज ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे बस गोली की आवाज आई थी। हाँ बस मिनी मैप में देखिए ये पता चल चुका था कि यहाँ कोई ना कोई पहाड़ से भी मार रहा है, तो मैं बिल्कुल ओपन में तो बिल्कुल नहीं रह सकता, किसी ना किसी घर में मेरे को जाना पड़ेगा। बट हाँ, अब मेरे को अपनी आंखों पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। मैंने गाड़ी निकाली और मुझे आगे गाड़ी दिख चुकी थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। नहीं दिखी, अभी भी नहीं दिखी, नहीं दिखेगी क्योंकि ये ट्रक है ना कंटेनर्स, अभी भी नहीं दिखेगी, अब दिख गई होगी शायद से। ये एक डाशिया, तो मुझे लगता है अंदर की तरफ एक बंदा होगा। मैं पास आया और मिनी मैप देखते जाओ आप लोग भी, कोई भी नहीं दिख रहा ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं भाई, कति खत्म हो चुका है सब कुछ। लेकिन ऊपर एक प्रो कैंपर, ऐसे प्लेयर्स को स्वाद चखाने में बहुत मजा आता है जो कि ओवर स्मार्ट बन के घूमते हैं ना, कि हाँ दरवाजे के पीछे छुपे रहेंगे, किसी को ही पता चलेगा और आते ही टिप प्ले कर मार देंगे। नहीं भाई, वो जमाना क्या। फिलहाल जो भी हो, मैं अब गाड़ी लेकर निकल चुका था जोन की तरफ, ये मैं बहुत जगह घुमा रहा था, लेकिन अब जोन वहां पे बन रखा था, तो मैं देखना इस पट्टी से क्रॉस तो कर देता हूं, लेकिन मेरी बग्गी स्किट हो जाती है और बहुत अच्छा हुआ जो स्किट हो गई, क्योंकि सामने मुझे बोट दिख चुकी है जो कि पहले बोट लगी थी, बट होती BRDM है। अब देखो आपको M4 की आवाज भी आ रही होगी, लेकिन मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कहीं लेफ्ट साइड है, मैंने मिनी मैप में देखा था एक्चुअली, वहां पे दिख रहा था कि हाँ लेफ्ट साइड से गनशॉट की आवाज आ रही, तो लेफ्ट साइड एक स्क्वाड है ना, ये वहां से चला रहा है गोली, और स्क्वाड से मैं जहां पे हूं वहां तक वो देख नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं इसी पे फोकस करता हूं, K9 पे K9 चलाया जाता हूं। बट यहां पे एक और बंदा आ चुका है, अब इसके एक बॉडी शॉट लग जाता है, तो ये तो शायद कुछ देर तक शक्ल नहीं दिखाएगा, बट शक्ल दिखानी पड़ेगी भाई, तभी हेडशॉट में मार पाऊंगा। फिलहाल इसकी BRD में फोड़ना चाह रहा था बट मैं नहीं फोड़ पाया, और वो बंदा मेरे को फोड़ देता भाई, अभी मेरे को फर्स्ट लगा लेनी चाहिए, बस वो स्क्वाड वाला बंदा गलती से इस तरफ ना आ जाए फ्लैंक करके, वरना मेरा सीन क्रिएट हो जाएगा। और HD ग्राफिक्स कैसे लग रहा है कमेंट में मेरे को जरा बताओ जरा। फिलहाल उसको शक्ल दिखानी पड़ेगी। मैं गाड़ी में बैठा, बैठने वाला था, मुझे लगा गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो वो शक्ल दिखाएगा, बट भाई ने पहले ही मुंह दिखाई कर दी। फिलहाल 1 किलो चाहिए, मेरे डबल डिजिट किल हो जाएंगे और सबको मार दिया तो शायद मेरे इस गेम में 13 किल तो हो ही सकते हैं, 13 नहीं 12। फिलहाल ये रहा बंदा और देखना क्या होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एग्जिट क्यों नहीं करा, और मैं ये सोच रहा था कि एग्जिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा भाई मेरा ROG की तरह मेरा एग्जिट बटन वहां पे होगा, था भी वहीं पे ही, लेकिन वही स्क्रीन साइज की वजह से मैं कहीं और टैप कर रहा था, वो था कहीं पे और बस मैं बैठा रहा, बंदे ने तभी आधा डैमेज दे दिया, बस समझ जाओ क्या हुआ। जो भी हो, नहीं करते किचन डिनर और बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे आज तो, क्योंकि सीन बहुत गलत वारे हो रहे हैं। अब देखना ये गेम प्ले जो तुमने अभी देखा, ये कितने गेम प्ले के बाद आया था तुम्हें अब देखने को मिलेगा। मैं कल मिलता हूँ, गुड बाय। Down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, guess that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith, when you had a taste, of this awful place, and if that's the case, you're sitting there sick and tired of the rat race, the fast pace has you thinking it's a bad place, you just wanna blast off into outer space. I get it, trust me, I've been there, just wait. It gets better if you take control of your fate. So stop waiting and get going your own way. These broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be, yeah. Are all these broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be, yeah. I'm sick and tired of these broken dreams, these broken teens. Sitting down on broken screens, it sucks, cause I really know what hopeless means, but focus seems to stem from the darkest themes. Don't park your dream, get a jump start and dream of everything you thought you ever wanted to be, then mark your team, together you could be something, be smart and see that you is all you really need, yeah. Sometimes you gon' feel like you don't know, sometimes you gon' feel like it's going slow, sometimes you gon' wish that it came fast, sometimes you gon' dwell back on the past, yeah. I'm here to tell you that it won't last, your mind's stronger than you think, get past all the things that keep you feeling bad, and pick yourself up and carve your own path. All these broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be, yeah. Are all
these broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be, yeah.